भी ट्रैफिक में तो कई बार फंसते होंगे, लेकिन क्या आपने उस दौरान कभी सोचा है कि काश हम उड़ पाते? तो ये ट्रैफिक में फंसने का कोई झंझट ही नहीं होता। हमें जहां भी जाना होता तो आसमान के रास्ते आसानी से पहुंच जाते, ना तो हमारा ज्यादा टाइम लगता और ना हमें ट्रैफिक में फंसे फंसे बोरियत महसूस होती। उस समय आपके मन में ये भी जरूर आता होगा कि अगर इस टैक्सी में पहिए के साथ साथ पंखे भी होते तो यह हमें उड़ा ले जाती। आपने इस तरह के ना जाने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन दुबई ने यह सच कर दिखाया है। जी हाँ, दुबई ने आसमान में उड़ने वाली टैक्सी का निर्माण कर लिया है, जिसे देखकर लोगों को उनकी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। बता दें कि इस टैक्सी की टेस्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टैक्सी का परीक्षण चीनी फर्म XPNG के द्वारा किया गया है। X2 फ्लाइंग कार ने अपनी पहली उड़ान से सभी को हैरान करके रख दिया। जिन भी लोगों ने इस कार की उड़ान को देखा वे देखते ही रह गए। कई लोगों का यह भी मानना है कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की काफी बड़ी उपलब्धि है। बता दें कि कंपनी ने यह टेस्ट दुबई में किया है। इस टेस्ट के दौरान उड़ने वाली इस कार में लोगों को बैठाया गया। दुबई में इस फ्लाइंग कार ने अपना टेस्ट पास कर लिया और उसमें बैठे सभी यात्रियों को सही सलामत रखा। आपको बता दें कि स्पेशल कार में केवल 2 सीट है। यह एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान है जो भविष्य की तकनीक को देखते हुए बनाया गया है। अगर इस फ्लाइंग कार की खासियत की बात की जाए तो इसमें कुल 8 प्रोपेलर दिए गए हैं जो इसके चारों कोनों में 2-2 के सेट में मौजूद है। वहीं अगर इस कार के रफ्तार की बात की जाए तो XPNG X2 130 किलोमीटर प्रति घंटे से आसमान में उड़ सकती है। बता दें कि दुबई में टेस्टिंग के दौरान इस फ्लाइंग कार को 90 घंटों तक आसमान में उड़ाया गया था। रिपोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार यह कार 500 किलोग्राम तक के वजन को उठाने की क्षमता अपने अंदर रखती है। इस कार की सबसे खास बात यह है कि यह कार उड़ान के दौरान 0 कार्बन प्रोड्यूस करता है, यानी कि जब यह कार आसमान में उड़ान भरेगी तो इससे हमारे वातावरण को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होगा। साथ ही इस कार में मेडिकल से जुड़ी कुछ सुविधाएं भी दी गई हैं, जिसके बाद यह कहा जा रहा है कि इस कार से यात्रा करने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब किसी कार की परीक्षण की जाती है और वह परीक्षण सफल होता है तो उस कार को सर्विस में लाने में काफी लंबा समय लग सकता है। वहीं इस कार के सफल परीक्षण के बाद दूसरे देश भी इस कार को मॉडिफाई करने के काम में लग गए हैं। इस कार के मार्केट में उतरने से एक बात तो साफ है कि इसे लोगों को कहीं यात्रा करने के दौरान काफी सहूलियत मिलेगी, लेकिन इस 130 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली इस टैक्सी पर सफर करने के लिए लोगों को फिलहाल कुछ सालों तक इंतजार करना होगा, क्योंकि इसे मार्केट में उतारने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है। इसका मतलब यह भी है कि आने वाले समय में लोगों को ट्रैफिक की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।